आए हो और क्या संदेश लाए हो? हे महाराज, राजविराज, मैं दूत राम प्रभु फरका हूँ। युवराज देश के किंदा का सुखपाली राजपा मैं का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। इस अवसर विशेष के योग्यवान कुछ कहने सुनने आया हूँ। अच्छा, तो तू ही अंग थे, तू ही पाली का बालक है, तू ही पाप की ज्वाला है। यदि तेरा कर्म नष्ट ना होता तो होता आज अकाल नहीं, तब पश्चिमी का दूध के लाने में आती तुझको लाल नहीं। वास्तव में जो तू मिला होता और मेरी और मिला होता तो देख यश और तापमान तेरा अब भी खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तब तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़ी राज्य सभा का तू आज से ही सेनापति हो जाए। मैं ये सेवा करता मगर मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ? लंका का सेना अध्यक्ष बनूं ना बुद्धि और वीरता कहाँ? सेनापति यदि तुम चाहते हो तो रामा तुम्हें आदर है, तो चार नहीं वो सेना ही सेनापति बनने के काबिल है। पर शायद ही सभी कार करे तो इस मेले कहने को ना क्या चुराई चल जहाँ ऐसे जी।
यदि तू खामोश नहीं होगा तो मेरी तलवार ही तुझे खामोश कर देगी। फिर मेरे यहाँ आने पर फायदा हुआ। रावण रावण बेशरम जिस कुल में तेरे जैसे लाल हो, बाप के कतक का दलाल हो, भाई ने स्त्री के लिए भाई की जान ली और तूने भी उसी की सेवा की थाम ली। यूं पीछे से फिक्र करना, ऐसे मुझे पुतला फुलाने की कोई तरकीब सोच, पहले जान अपनी बचाने की। रस्सी जल गई मगर फल नहीं गया। चले फल किस तरह गया? मुझे किस बात का घमंड है? वही तू है, वही मैं हूँ, वही तुम है, वही तुम है। अरे रावण, मैंने तुझे ना सुनाया मगर तू पहुंच आया। औरों के घर के झगड़े, ए रावण मैं शेर तू, तुझे प्राई क्या पड़ी अपनी नबेर तू। नहीं नहीं शरारत से बाज आता। अरे रावण, इस ताकत ने तुझे अंधा कर दिया है। अगर तुम्हारे किसी भी एक बहादुर में इतनी ताकत है तो लो, अगर तुम श्री रामचंद्र जी की ताकत का सबूत मांगते हो तो लो इधर देखो, मैं उनकी फौज का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं अपना पाप क्या चुमाता हूँ। जय श्री राम। अगर तुम्हारे किसी भी बहादुर ने मेरा ये अगर कहला पाए तो हमारी जीत और तुम्हारी हार होगी। क्यों रावण, मंजूर है शर्त? हाँ हाँ मंजूर है।